परिवहन निगम की औरंगाबाद डिपो को है नई सरकार की आस। एक बस की आमदनी से कट रहा है 26 कर्मियों तथा उनके परिवार की जिंदगी। औरंगाबाद से खास रिपोर्ट, यह है औरंगाबाद का सरकारी बस डिपो। कभी बस की चिलपोत तथा यात्रियों की रलम पेल से गुलजार रहने वाला यह इलाका आज वीरानी का दंश झेल रहा है। वजह है इस प्रतिष्ठान से सरकारी बसों का परिचालन नहीं किया जाना, जबकि इस डिपो का अपना एक वर्कशॉप तो है ही, पेट्रोल पंप भी है, मगर काम के अभाव से सब कुछ बेकार साबित हो रहा है। कभी 200 से भी अधिक कर्मचारी यहां काम करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या घटकर मात्र 26 रह गई है। बावजूद सरकार की उदास नीति के कारण इनका पेमेंट चलना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे राज्य में यह अब 7वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। वही इन कर्मचारियों को 4था वेतन आयोग के अनुसार के मुताबिक ही पेमेंट किया जाता है। 30 पर आलम यह है कि सालों से इन वेतन का एक घेरा तक नहीं दिया गया, हालांकि नई सरकार से इन्हें काफी उम्मीद है। वर्कशॉप के भी वही हाल है, सांझ के वो गाड़ी आता है उसको चेक चाक करके दिन भर आदमी बैठा रहता है, क्या करे। नई सरकार का गठन हो तो सरकार ध्यान देगा तब ना, सरकार ध्यान कहाँ दे रहा है, खाली प्राइवेट उनको तो दे रहा है कि परमिट फलना फलना जगह मिलेगा, पूर्णिया रांची टाटा सबको परमिट दे रहा है, यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वेतन विसंगतियाँ है, किसी 4था वेतन आयोग मिल रहा है हम लोग को, पांचम खष्टम के लिए जो सो हाईकोर्ट में केस चल रहा था उसका जो है सो निर्णय भी हो चुका है, लेकिन सरकार की ओर से जो है सो उस पैसे का भुगतान हम लोग को नहीं किया जा रहा है। किसी तरह से जो है सो सुबह शाम करके हम लोग चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, बाल बच्चे जो है सो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है सही तरीके से, जो है नहीं हो रहा है।